भारत न्यूज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सीमा दबंग भूमाफिया द्वारा दुकान का ताला तोड़कर नकदी व सामान लूटा गया। दुकान को तोड़कर उसके कब्जा भी किया गया। भूमाफिया व उसके भाई सहित 10 से 12 लोगों ने सामान लूटा। चौबेपुर थाना पुलिस ने उल्टा पीड़ित पर ही की कार्रवाई। पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस में जाकर दिया है प्रार्थना पत्र। पुलिस कमिश्नर द्वारा मिला उचित कार्यवाही का आश्वासन। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट अंतर्गत पड़ने वाले थाना चौबेपुर के पीड़ित अनीस अहमद ने बताया कि प्रार्थी की दुकान नई बाजार जीटी रोड बंदी माता रोड के पास है। प्रार्थी उसी दुकान को चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। पीड़ित की दुकान में दबंग भूमाफिया रामजी पांडे, उसका भाई राहुल पांडे व अन्य 10 से 12 आपराधिक साथियों ने उसकी दुकान पर जाकर कब्जा कर लिया और सामान लूट लिया है। दबंग उससे 5,000 रुपए महीने की मांग कर रहे हैं, जिसकी शिकायत उसने थाना चौबेपुर में भी की थी। थाना चौबेपुर पुलिस ने उल्टा पीड़ित पर ही कार्रवाई कर दी, जिससे पीड़ित बहुत डरा हुआ है। दबंग लोग अपने आप को बीजेपी से जुड़ा हुआ नेता बताते हैं। पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर को अपना प्रार्थना पत्र दिया है। पीड़ित ने उचित कार्यवाही करने की मांग की है। क्या नाम है आपका? अनीस अहमद नाम है। चौबेपुर शांति नगर। क्या मामला हो गया आपके साथ? हमारी दुकान पे कल 17 तारीख की रात में लूट हुई है। किन लोगों ने लूट की है? रामजी पांडे, उसका भाई राहुल पांडे। किन कारणों से लूट की, क्या बात हो गई? कब्जेदारी के लिए, जो वहाँ पे हम दुकान करे हुए हैं तकरीबन 13 से 14 साल से, जो हमारे पास वहाँ की पूरी लिखित और जानकारी है। उसके बाद वो लोग वहाँ पे आते हैं रात में, मेरे ताले तोड़ते हैं। ताले तोड़ने के बाद दुकान को रातों रात पूरा माल गायब कर लेते हैं, जिससे लूट करते हैं, डकैती डालते हैं। और फिर मैं उनसे सुबह जब मैं मिलने गया तो 151 में मेरे भाई का चालान किया गया, जिनकी कल मैंने जमानत कराई। लगभग कितने लोग थे जो कब्जा किया जमीन पे आपने? कम से कम 25 से 30 लोग। किसी का नाम जानते हैं आप? नाम नहीं मैं जानता हूँ सर, ये है कि बस दो लोगों के नाम जानते हैं, बाकी अज्ञात में थे, पर फोटो देख के मैं नाम बता सकता हूँ। पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया? पुलिस को प्रार्थना पत्र इससे पहले मैं दे चुका था। जो पुलिस की आश्वासन क्या मिला आपको? पहले तो आश्वासन दिया गया, उसके बाद कोई आश्वासन नहीं रहा। इस समय क्या मांग करना चाहते हैं आप? मांग मैं ये करना चाहता हूँ सर, जो मेरी ये डकैती हुई है दुकान पे, जो ताले तोड़े गए, कब्जादारी की गई है, उसको जो है छुड़वाया जाए। और हमारा माल जो 5 से 6 लाख रुपए का माल था, उस दुकान पे मेरे औजार थे, मेरे कारोबार थे, उससे करते थे वो मशीन सारी चीज़ें, वो लोगों ने ले गए, जो मुझे पता नहीं है कहाँ पर है।